मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ख़ास के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। बोर्ड में भी पूछे जाता था, नहीं बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी के जो हॉट न्यूमेरिकल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग न्यूमेरिकल्स, पिछले लेक्चर में आपने 19 नंबर तक के क्वेश्चंस को देखा था। आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि ये तो खैर आसान है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस R1a है पहले का और दूसरे का b है, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। किसे कनेक्ट किया तो क्या होगा बोलो? वायर से कनेक्ट करने पे क्या होता है? चार्जेस एक से दूसरे की तरफ जाते हैं। कब तक जाते हैं? जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। आपसे कह रहा है कि कनेक्टिंग के बाद उनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या रेशियो होगा? कैलकुलेट करना रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आफ्टर कनेक्टिंग। आफ्टर तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्यू चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस तो खैर दिया गया है, चार्जेस नहीं दिए गए हैं। तो पहले आपको चार्जेस निकालना पड़ेगा दिमाग लगा के। क्या लगा के? दिमाग लगा के। कैसे निकालेंगे? ये पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब भी दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखो, इतना टफ क्वेश्चन है, हंसी मजाक कर रहा है पीछे लड़का सर। सीधा बैठो, चलो बोर्ड की तरफ देखो सर। हंसी मजाक करने का टाइम है, इतना इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो पहले काम किया, दोनों का पोटेंशियल बराबर किया, V1 = V2। फॉर्मूला पुट किया, 1/4π0 कैंसिल किया, Q1/Q2 निकालिए, R1/R2 इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट। अब रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1/E2, E1 को लिख सकते हैं 1/4π0 Q1/R1 square, इसको Q2/R2 square कैंसिल, इससे Q1/Q2 निकल गया। इधर क्या होगा? R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे। Q1/Q2 का मान निकाल चुके, उसको पुट करें। अब R2 एक कैंसिल, एक R1 भी कैंसिल, मैंने काटा नहीं है, काटने के बाद लोगों को समझ में कम आता है। तो ये R2/R1 आ गया, उल्टा हो गया। E1/E2, R2/R1, 1 ऊपर है यहाँ, वो R1 नीचे है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आपने पढ़ा था कोरोना डिस्चार्ज, इस सवाल में वो भी है कि नोकीले सिरे से। आप कॉपी खोलिए, अंदर कीजिए, क्या कल आज किताब भाई, कॉपी अंदर करने बाहर करने के लिए। तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी, E = 1/R। तो मतलब रेडियस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा। तो नोकीले सिरे का क्या होगा? रेडियस काफ़ी कम, रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई, इसलिए नोकीले सिरे से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज काफ़ी तेज़ी से होता है। ये अलग से आपको लिखा भी दिया गया है क्यों होता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया था। 21st नंबर में क्लास में ऑलरेडी हो चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। 3 कंडीशन कराए थे, एक्सियल पोजिशन, इंड ऑन पोजिशन, ब्रॉड ऑन पोजिशन, एनी वेयर कंडीशन, उसी में 3 सवाल दिए गए हैं आपको, सेम काम करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वाड्रा पोल दिया है। अब 4 चार्जेस है, इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 चार्जेस होते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं मान लो 4 चार्जेस हैं, कितने, हाउ मेनी चार्जेस, इसका नाम क्वाड्रोपोल दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, इसमें देख सकते हैं एक प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू और फिर प्लस क्यू, 4 चार्ज हो गए, Q+, Q-, फिर Q-, Q+, इसका नाम क्वाड्रोपोल हो गया, मतलब 4 वाले को क्वाड्रो बोला जाता है। 4 चार्जेस हो गए इसलिए इसका नाम क्वाड्रोपोल है।
अब पी पॉइंट दिया गया है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, और उस पॉइंट पे इस चारों चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इसलिए काम बहुत आसान है, इंटेंसिटी होता तो बहुत टेंशन होता आपको, पोटेंशियल में तो दिक्कत है नहीं, जितना भी चार्ज रहे सबके लिए निकाल के जोड़ देंगे, सिंपल जोड़ है, अलजेब्रिक सम है, यहाँ पे पोटेंशियल स्केलर है, जिससे पोटेंशियल निकालने में ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। फोर चार्जेस हैं, फोर पोटेंशियल होंगे, चारों को हम जोड़ देंगे, पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। बाहर देखिए, कुछ लोग बोर्ड पे देखने में दिक्कत हो रहा है ना, इसके लिए देखिए डिस्टेंस आर प्लस ए, इसके लिए डिस्टेंस आर, दूसरे के लिए भी आर, चौथे के लिए आर माइनस ए, कॉमन ले लें, बाकी एलसीएम लेके सॉल्व करें। अगला सवाल क्या रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में भी और नीट में भी, जेई मेंस में भी सवाल पूछा जा चुका है। सवाल 2.3 नंबर 2.23, इसमें कह रहा है क्या कि एक टेक्नीशियन है, उसको 2 pF के कैपेसिटर की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास एक एक सो रहा है, सो जाओ, कह रहे सीधा बैठो, सीधा बेंच से हाथ उठाओ, चलो सीधा बैठो, बेंच से हाथ उठाओ, बेंच से हाथ उठाने समझ में आ रहा है, सो नहीं आया क्लास में। सवाल क्या है दोस्तों, क्या सवाल है, एक टेक्नीशियन को 2 pF के कैपेसिटर की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास जो उपलब्ध है वो 1 pF का, तो उसके लिए उसको कितने कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी एक ही 1 pF का, और उसको किस तरह से सजाएगा, कितना सीरीज में सजाएगा, कितना पैरेलल में सजाएगा। और जो कह रहा है कि 1 kV ही उसके पास सप्लाई, 1 kV, 1 kV कितना होता है 1000 वोल्ट, मैक्सिमम 1 kV सप्लाई कर सकते हैं, और ये भी दिया हुआ है कि 1 pF का जो कैपेसिटर है वो 400 वोल्ट को सह सकता है, कितना का 400 वोल्ट को। तो बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, हायर ऑर्डर थिंकिंग, बिना दिमाग लगाए नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि सीरीज में जो कैपेसिटर्स हैं उसकी संख्या n है, और जो रॉ होते हैं कतार वो क्या होते हैं पैरेलल में, ये बेंच रॉ में लगे हुए, इस लाइन में किसमें लगा हुआ, रॉ में, तो नंबर ऑफ रॉज इन पैरेलल इसको n मान लेंगे। सीरीज में क्या मान लेंगे, सीरीज में एक लाइन में m कैपेसिटर्स हैं, और जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल रॉज हैं, वो n है। देखो मैंने क्या मान लिया, लेट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज इज m एंड इन पैरेलल, एंड इन पैरेलल रॉज, एंड पैरेलल रॉज कतार वो क्या है n, टोटल अप्लाई वोल्टेज जो सह सकता है 400 वोल्ट का सह सकता है, एक 400 सह सकता है, लेकिन ये जो 2 बन जाएगा ना वो 1000 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है। आप जानते हो कि सीरीज में जो वोल्टेज होता है ना, अगर m है तो m इंटू नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ पे m माना गया सीरीज में, और हर एक 400 सह सकता है, तो टोटल जो हो जाएगा m इंटू 400 सीरीज में, ये बराबर होगा 1000 के, उससे कट किया तो m का मान 2.5 आ गया, किसमें आ गया 2.5। क्या 2.5 कैपेसिटर लगा सकते हैं, क्या 2 लगाएंगे तो आधा काट के लगाएंगे, 2.5 तो नहीं लग सकता है, या तो 2 लगेगा या 3 लगेगा, या तो 2 लगाएंगे या, तो चूंकि 2.5 है 2 से ज़्यादा है, इसलिए आपको 3 कैपेसिटर को जोड़ना पड़ेगा सीरीज में। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज जो है, ये पॉइंट में आने की वजह से इसको हम लोग इसका जो राउंड नंबर है ऊपर जाएंगे, 3 मान लिया। अब देखिए सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला पड़े थे C/m, C/नंबर को यहाँ m माने हैं, हर एक कैपेसिटी छोटा वाला जो एक का है 1/3 1/3। अब ये जो जितने भी रॉज होंगे यहाँ पे सब m/3 हो गया, m बाई
एम बाई थ्री। तो टोटल कितना चाहिए? दो का चाहिए। कितना चाहिए? दो का। जो चाहिए हम लोगों को करा टेक्नीशियन को, वो टू पे को फ्राट का चाहिए। अब ये सारे पैरेलल्स का निकाले, इसका एक हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हर एक का? वन बाई थ्री। और पैरेलल में निकालने के लिए हर लाइन का वन बाई थ्री हो गया, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर पैरेलल में जो रोज है वो एन है, एन बाई थ्री, और इसका मान दिया हुआ है टू। चाहिए कितना? टू चाहिए। इससे एन निकाला सिक्स। इससे पता चला कि एक लाइन में तीन ठोस जाएंगे, सीरीज में तीन रहेगा, और पैरेलल में जो रॉ होगा वो सिक्स होगा। और टोटल कैपेसिटर कितना हो जाएगा? टोटल कैपेसिटर्स, टोटल कोई बताओ जी, टोटल कैपेसिटर कितना होगा? ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया तब क्या करेंगे? एक बेंच में चार लड़का है तो दस बेंच में कितना लड़का होगा? चौदह हो जाएगा। चार तो क्या है, गलत बढ़ा भी तुम लोग। एक बेंच में चार लड़का है और पैरेलल में लगा हुआ दस बेंच, तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा? क्या किए? प्लस किए। सुनने में पार्था बोले प्लस किया, दस प्लस चार बराबर चालीस। क्या किए? जाओ कचरा सब उन्हें रोकते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? एक लाइन में तीन है और कितना टोटल रॉ कितना है? छः। तो छः थी अठारह कैपेसिटर हो गए कि नौ हो गए? क्या होगा जी? भाई ना, एक बेंच पे चार लड़का, दस बेंच पे कितना लड़का? कितना होगा? तो सीरीज में है तीन और कितना रॉ है पैरेलल में? छः। तो सिक्स इंटू थ्री, एम इंटू एन, एम इंटू एन, तो एम कितना? थ्री इंटू सिक्स, दैट इज एटीन। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटी दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है, एरिया निकालना है। सी का ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इसमें एरिया निकाल लीजिए। 25 नंबर, फिर ये बहुत दिमाग वाला सवाल, 25 नंबर, फिर आईआईटी जेई नीट का सवाल हो गया, सब ये सब, ये सब सवाल आईआईटी नीट, आईआईटी नीट। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने पे हम लोगों ने बहुत काम किया था। तो सबसे पहले तो ये फिगर दिया गया है, इससे इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। अगर कॉम्प्लेक्स फिगर हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए कहा था मैंने, पहले फिगर को सिंपल बनाइए, फिगर को पहले सिंपल बनाइए। कैसे बनाएंगे सिंपल? यहाँ पे जो नेमिंग ये सब नहीं दिया हुआ था, ये हम अपने मन से दिए हैं। यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, लेकिन यहाँ प्लस लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है। हमने मान लिया इस पॉइंट का नाम एम, इसका एन। अब चूंकि यहाँ एक जंक्शन है तो इसका नाम भी एम होगा और यहाँ भी एम होगा, क्योंकि कंडेंसर नहीं है। मैंने कहा था जब तक कंडेंसर नहीं आए नाम नहीं बदलता है, जब तक कंडेंसर नहीं आए नाम नहीं बदलेगा। अब देखो ये एम है, यहाँ कंडेंसर आ गया, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए ओ। यहाँ देखिए कोई कंडेंसर नहीं हो, कोई कंडेंसर नहीं हो, निकालना है एम एन के बीच, तो एम शुरू में, एन लास्ट में, ओ को बीच में डालेंगे। ओ को कहाँ डालेंगे? बीच में। सर कहाँ पकड़ ली, बहुत दिक्कत लग रहा है। एम को शुरू में, एन को लास्ट में, ओ को कहाँ मान लेंगे? बीच में। फिर से सजाएंगे, जिन दो पॉइंट्स के बीच निकालना होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, उसमें से एक को शुरू में लिखना है, एक को लास्ट में लिखना है, अन पॉइंट्स को बीच में लिख देना है। अन पॉइंट क्या हो गया? ओ, उसको डाल दिया बीच में। अब फिर से सजाएंगे। अब देखिए एम ओ के बीच, ये जो सी वन है एम ओ के बीच, एम ओ के बीच, ये दोनों फिर एम ओ के बीच, ओ एन के बीच। अब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में, इक्वल है सीरीज में, तो नंबर से भाग देते हैं, 200 बटे 2 100 हो गया, ये भी 100, ये 100, 100 100 200 हो गया, फिर ये 100 आ गया। अब ये दोनों फिर सीरीज में हो गया, दो टो रहे सीरीज में रहे, अलग अलग रहे, तो C1 into C2 by C1 plus C2।
दो ठो रहे सीरीज में रहे अलग अलग रहे तो क्या फॉर्मूला पड़े सी वन इंटू सी टू। इस पर एक सप्ताह खाली इक्विवेलेंट पे न्यूमेरिकल बनवाए थे सी वन इंटू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू। अब सी निकल गया तो क्यू निकल जाएगा क्यू का फॉर्मूला सी भी। नीचे देखिए नीचे देखिए कुछ नीचे वहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है ना यहाँ का वहाँ जा रहा है क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल गया। अब चार्ज निकालना है क्योंकि ये पिको फैराड है तो इसको बदलना पड़ेगा माइनस 12 चार्ज निकालते समय क्यू बराबर सी भी। सी निकल चुका है वी क्वेश्चन में दिया हुआ 300 वोल्ट यहाँ देखिए 300 वोल्ट लगा रहे हैं उससे क्यू निकल गया। अब ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि सीरीज में क्या होता है पैरेलल में क्या होता है चार्ज के बारे में। मैंने आपको बताया था सीरीज में जो चार्ज सेम होते हैं सीरीज में चार्ज सेम होता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। वहाँ देखिए क्या कर रही हो सीरीज में क्या सेम होता है और पैरेलल में ये दोनों देखिए किसमें है सीरीज में जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही इस पे होगा। इसलिए ये जो 100 है कहाँ से आ रहा है ये देखिए C4 है एक को मान लिया C1 इसको C2 इसको C3 इसको C4 यही 100 वाला देखिए बचता हुआ आ रहा है ये कौन हो गया C4 और ये कितना है आपका 200 ये दोनों जोड़ कर आया है 200 ये दोनों जोड़ के नहीं आया जी ये दोनों जोड़ के कितना आया 200 ये कितना है 100 यहाँ पे 100 ये देखिए ये कितना है 100 ये भी 100 तो इसका मतलब है कि जितना इस पे चार्ज होगा उतना ही इस पे भी चार्ज होगा। इसलिए Q1 जो निकाले हम लोग Q1 जो टोटल निकल रहा है 2 बाई टोटल चार्ज इतना आ गया 2×10⁻¹ कूलम ये C4 पे भी इतना ही हो जाएगा। इसके बाद आप Q1 निकाल रहे हैं Q1 ये C1 पे जो चार्ज है इसको क्या मान लिया हम लोगों ने Q1 ये दो भाग में बढ़ जाएगा यहाँ से देखिए दोनों जोड़ कर इतना आ रहा है दोनों जोड़ कर इतना आ रहा है तो इस पर कितना हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा Q2 Q3 देखिए C2 C3 दोनों के कैपेसिटी बराबर है तो चार्ज बराबर होगा कैपेसिटी बराबर तो चार्जेस बराबर होंगे। Q4 खुद से निकालिए। अब 2.26 नंबर ये बहुत आसान सवाल है इसमें एरिया दिया गया है फिर डी दिया गया है वी दिया गया है पहले कैपेसिटी निकाल लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A₀ by D एनर्जी स्टोर्ड ½ CV² ½ सिंपल क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे एनर्जी लॉस इसी एक्सरसाइज में शुरू में था एनर्जी लॉस का सवाल। दो कैपेसिटर दिए हुए C1 C2 एक का वोल्टेज है दूसरे पे वोल्टेज नहीं है जीरो है एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ½ C1 C2 / C1 ये फॉर्मूला पे बताइए। 28 नंबर में एक फॉर्मूला प्रूफ करना है फोर्स का एक नया फॉर्मूला ½ Q×E इसके लिए हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं वर्क डन में ही फोर्स आता है ⁄ × डिस्प्लेसमेंट। फिर वर्क डन का एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एनर्जी वर्क डन इक्वल एनर्जी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था ½ εE² डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में कितना होगा तो वॉल्यूम से गुना करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला A×dx नीचे देखो इसको फिर से देखो वर्क डन का फॉर्मूला ⁄ × डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन बराबर एनर्जी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ½ εE² और वॉल्यूम का फॉर्मूला A×dx दोनों ही वर्क डन है दोनों को बराबर कीजिए dx dx कट कीजिए E का फॉर्मूला σ/ε₀ बैठाइए E का फॉर्मूला σ/ε₀ एक ε₀ कट जाएगा σ² को दो बार लिख सकते हो σ × σ σ × A दैट इज क्यू और σ/ε₀ फिर E लिख दीजिए। इस तरह से ½ Q×E ये फॉर्मूला प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। फिर से देखिए वर्क डन का ⁄ × डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इक्वल एनर्जी एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला है यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी इतना है टोटल वॉल्यूम का कितना होगा वॉल्यूम से गुना करेंगे वॉल्यूम को लिख सकते हैं A×dx
दोनों को बराबर कीजिए और E का फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कीजिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बचा सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को E और सिग्मा इंटू A को Q। इस तरह से फोर्स का फॉर्मूला प्रूफ हो गया, हाफ इंटू Q इंटू E। 29 नंबर क्लास में हो चुका है इसलिए होमवर्क है। 30 नंबर, 29 नंबर में क्या एस्फेरिकल कैपेसिटर जो पढ़ा था उसी का एक्सप्रेशन निकालने का आ जा रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एस्फेरिकल कैपेसिटर। 30 नंबर में वही एस्फेरिकल कैपेसिटर है, रेडियस दिया गया, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, शायद डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई दिमाग नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फिर भी सिर्फ सी निकल जाएगा, फिर भी निकाल लीजिए। अगला नंबर इसी में है, तीन सवाल है इसमें, एक तो कैपेसिटी ऑफ एस्फेरिकल कैपेसिटर निकालना, वोल्टेज इनर का निकालना, और फिर कर अलग से एक दूसरा स्फीयर है उसका रेडियस दिया गया, किसी स्फीयर की कैपेसिटी, एक स्फीयर हो तो फॉर्मूला होता है 4πε₀r, फिर इसका इससे कंपेयर करना है, दोनों को डिवाइड भी करना है। 2.31 में ऑब्जेक्टिव सवाल से, इसमें एक नहीं छः सवाल दिए गए हैं, सवाल पढ़िए, बुक निकालिए, सवाल पढ़िए। यहाँ छः सवाल एक साथ हैं, सवाल कह रहा है, अच्छा बताओ कूलम्स लॉ जो पढ़े हैं आप, एक कूलम्स लॉ से सवाल है, उसमें क्या कंडीशन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉइंट चार्ज, इसमें कह रहा लार्ज चार्ज, क्या कह रहा है बड़ा चार्ज है, क्या बड़े चार्ज के लिए कूलम्स लॉ सही है, किसके लिए सही है, छोटे चार्ज के लिए, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे, नो, वहाँ पर फॉर्मूला जो कूलम्स लॉ में है वो वैलिड नहीं होगा। अगला सवाल पढ़िए, हाँ कूलम्स लॉ में क्या आया था, 1/r², अगर 1/r³ करेंगे तब तो गॉस थ्योरम हमारा सीधा नहीं होगा, गॉस थ्योरम सीधे होने के लिए 1/r² होना चाहिए। अगला बोलिए, एक टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन आया तब तो वो जाएगा सीधा, लेकिन अगर ये कर्व आ गया तब तो वो सीधा नहीं जाएगा, नो नेसेसली, ज़रूरी नहीं है। अगला बोलिए, किसी कंप्लीट रोटेशन के लिए वर्कडन हमेशा क्या होता है, भाई वर्कडन हो रहा है, ये कंप्लीट रोटेशन हो रहा है तो वर्कडन कितना होगा, और फिर कह रहा है इसी में कि अगर शेप बदल जाए, पहले सर्कुलर पाथ था बाद में कह रहा है इलिप्टिकल पाथ हो जाए तो वर्कडन कितना होगा, अरे कंप्लीट रोटेशन हो कैसा भी पाथ हो वर्कडन ऑलवेज जीरो, कोई भी पाथ हो चाहे सर्कुलर हो इलिप्टिकल हो कुछ भी हो, अगर क्लोज है तो वर्कडन ऑलवेज जीरो, वर्कडन ऑलवेज जीरो, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये वर्कडन ऑलवेज डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है और किसी भी तरह का शेप होगा वर्कडन हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट बोलिए, आपने एस्फीयर के कंडीशंस में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर में जीरो, सरफेस में कुछ और, बाहर में कुछ और, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे अलग 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 को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, लेकिन जो पोटेंशियल होता है, निशा कहाँ कोई भी हो, जो पोटेंशियल होता है वो हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूअस होगा बट पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस। वालेकुम सलाम। अगला सवाल कह रहा है, एक ही हमारे पास कंडक्टर है, क्या वो एज ए कैपेसिटर काम कर सकता है, कैपेसिटर में सुने थे कि दो प्लेट होता है, एक कलेक्टिंग दूसरा कंडेंसिंग, लेकिन कहा एक ही प्लेट है तो क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता, उसमें दूसरा प्लेट इन्फिनिटी को माना जाता है, दूसरा प्लेट अनंत को माना जाता है कि अनंत पे है। कह रहा कि वाटर का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है, 80 होता है ना डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मान, और बाकी का कम होता है, क्यों, तो कारण क्या है, वाटर क्या है, आप पढ़े हो ना, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, इसलिए वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज़्यादा होता है। और भी सवाल बच गए हैं लेकिन आपके लिए, बाकी आप लोग बना क्या है ना, क्या करें, बाकी सवाल बना क्या है, नया चैप्टर शुरू करेंगे आप।
एनर्जी इक्वल टू आप जल्दी समझ आएगा।